सो क्या डिफरेंस है यहाँ के पॉलिटिशियंस में और बाहर के पॉलिटिशियंस में? मैं काफी नोट किए थे, बट आई वांट टू हियर। मतलब बहुत सारे डिफरेंस है। देखें, वो अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक सियासत करते हैं। वहाँ की सियासत आप इधर नहीं कर सकते। इधर का जो पॉलिटिशियन है वो उस तरह की सियासत करने की कोशिश करेगा तो उसकी सियासत जो है कि कहीं नहीं जा डू यू थिंक सकेगी। वो ऐसे जेलों में जाएंगे जैसे इस पे? तो मैं वो क्रेडिट देती हूँ अपने मसला ये ना कि साथ। देखें, वहाँ पे एक सिस्टम के तहत सब कुछ हो रहा होता है। यहाँ पे अभी आपने नैब का जिक्र किया, यहाँ पे सियासतदानों पे क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगते। डॉक्टर आसिम आपको याद है, बिल्कुल याद जरदारी है साहब के मुझे ये दोस्त, भी, वो साढ़े एंकर्स भी चार याद हैं जो कहते थे ही सिंगिंग लाइक अ पैरट, ही नहीं सिंगिंग हाँ सिंगिंग। 450 अरब रुपया हमें बताया जाता था। डॉक्टर आसिम के ऊपर अकेले हमारे हमें ये बताया जाता था। देखिए, तो तो हम क्यों ये बिलीव हमारी कर सियासी लेते इन्वायरमेंट थे? है। हम लोग भी तो क्वेश्चन नहीं करते ना नहीं, कुछ लोग। हाँ, हम तो आप बिलीव ये नहीं बात नहीं करते करी, थे। जनरल जी बात कर जी रही हूँ कि वो सब। मसला ये ना कि बस वो आप इधर माहौल ऐसा बना हुआ है तो क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। तो सियासतदानों को तो वैसे ही बहुत हम विलीफाइड करते हैं और बड़ा ईजी है इनको, इनके ऊपर तनकीद करना। जब हमें भी गुस्सा चढ़ा होता है तो हम और किसी और नहीं तो कम से कम सियासतदान सियासतदान के को ऊपर हम बोलते ज़रूर बात हैं। कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे सियासतदान काम कर रहे हैं, उसमें कोई कोताहियाँ हो सकती हैं, उसमें कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ हमें क्लियर करनी चाहिए अपनी कौम के लिए। पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान या कोई भी सियासी पार्टी जो है ना, वो एज ए होल ना करप्ट है, ना गद्दार है खुदा ना खास्ता, ना वो मुल्क दुश्मन है। मैं प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं थोड़ा सा ईद के ऊपर ईद बातें पे करते आ हैं ना, ईद पे जाए। आ जाते हैं। ये तो हम हर पूरा साल करते हैं ना। हाँ, कुंडी साहब, हमें बिलावल भुट्टो का कोई फनी वाकई सुना दें वो ईद तो पे। पानी वाला कोई नहीं तो था होगा फनी वाक, नहीं वो तो पॉलिटिकल है। कोई फनी इंसिडेंट हुआ होगा आपका और उनका इंटरेक्शन का, आप चाह रही हमें क्या कुछ होगा हैं? ऐसा ऐसा हुआ नहीं। अगर कभी तो मतलब कोई कोई जोक, कोई बात, कभी उन्होंने जोक सुनाया हो? ऐसा कोई, हम जब भी नॉर्मली पार्टी मीटिंग्स ही होती हैं, ऐसा कोई हुआ नहीं। अगर होता तो मैं डेफिनेटली आपको बता देता। कभी कोई ऐसी बात नहीं हो रही? नहीं चले, हुई। पार्टी की रिलेटेड कोई, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई इंसिडेंट आप सबसे भी पूछूंगी, रेडी रहे आप लोग। आपने अचानक सवाल किया, मुझे हाँ, सोचना सोच रहे हैं, पड़ेगा। कुछ याद आ जाएगा आपको। कभी तो मेरे मुझसे पूछे, मेरे शो में इतनी दफ़ा फ़नी इंसिडेंट्स हुए हैं। मसलन, एक गेस्ट शो के दौरान सो गए थे और खराटे भी ले रहे थे। इट अच्छा, एक्चुअली हैपेंड, इट एक्चुअली हैपेंड। और वो समझ नहीं आई थी कि वो अकेली पर वो गेस्ट देखिए, उस गेस्ट की अच्छी बात ये है कि किसी दूसरे के साथ लड़ेंगे नहीं। आप लोगों में से तो कोई नहीं सो रहा, तो मैं आपको खुद बता रही हूँ। आप सोच रहे हैं साहब, कोई मियाँ साहब का फनी वाकया आपको याद हो? जी नहीं, मैं चूंकि उनके साथ हमेशा मीटिंगों में ही बैठा हूँ, कभी उनकी जाती महफिल नहीं हुई, तो बनी वाकया तो मेरे दिल में नहीं है। लेकिन ये है कि बहुत सारी बातें होती हैं जो मजाहिया होती हैं मुख्तलिफ मामलात में। एक जोक मैं शेयर कर देता हूँ। मुझे लीडर का नाम लिए बगैर, हमारी पार्टी के एक सीनियर लीडर है, उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में अगर आपने हुकूमत चलानी है तो आपके जहन में ये होना चाहिए, आपके जो सियासी साथी भी हैं ये जो है वो जब तक इनके पीछे आग नहीं लगेगी ये रॉकेट की तरह चलेंगे नहीं। ये किसने कहा आपको? ये तो बहुत एक ये सीनियर तो लीडर, सच्ही उन्होंने बात बात कर दी लग रही है वैसे, है हाँ उन्होंने ना? कहा कि दे आर लाइक रॉकेट्स। ओके तो वो ये है कि हम सबको ये, यानी उनकी एक अपना तजुर्बा है, जाहिर है इस सारे मामलात बड़े अरसे से वो हकूमत में, उन्होंने मुख्तलिफ पोर्टफोलियो भी देखे हैं, तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प तजर्बा ये शेयर किया था कि गालिबन पाकिस्तान के अंदर यही मैनेजमेंट का तरीका है कि आप सख्ती करें और पीछे भागें तो तभी कुछ चलेगा काम। अच्छा, जो खान साहब तो काफी जोक्स करते हैं, आपके पास तो होगा कोई इंसिडेंट टू शेयर? देखिए, मैंने फनी बातें तो बहुत, ये 200 मुकदमे कर देना ये भी तो एक फनी बात ही है ना। ये तो चलिए, तो ठीक इनकी है। हाँ, ये लोग ये सर बताए ना वाकया, फनी इनकी फनी वाकया बताए ना आप लोगों ने, दो अपनी सौ केसेस, दो दो सौ सौ केसेस कर दिए किसके जोक भाई? सुनाने पे नहीं सर, किया आपकी वैसे हुकूमत ने, केस? पीडीएम की हुकूमत ने, नहीं, जो पीडीएम की हुकूमत ने जिसने की हमने तो नहीं किया, कम से कम हमारा तो रिकॉर्ड है कि 2008 से देर तक वो हम जो इस हुकूमत में रहे, डिटेरियरेटेड। हमारा कोई ये अच्छी बात है फैसल भाई की और कोई इनकी पार्टी नहीं नहीं की नहीं कोई फौरन पॉलिटिकल, सर। कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है। लेकिन देखें, अब उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते ना, उनके दौर में क्या हुआ फिर? उन्होंने अमेरिका में नहीं, खड़े अब होकर तो फिर अपनी क्या कहा? लाइट हार्टेड बात करेंगे देखिए जो वो, कोई। मैं यही कहता हूँ कि आप जब, मैंने जो पहले बात की थी ना कि वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप करते हैं तो आप ये उम्मीद करें कि कल फिर ऐसी चीज़ें होंगी, सपोज आपके खिलाफ होगी, तो ये चीज़ें पॉलिटिक्स में मैं नहीं समझता कि आप देखें। फिर हम सफ़र पॉलिटिकल लीडरशिप ही करते हैं, फोर्सेज ही करते हैं, हम खुद इतना वो करते हैं कि अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में दे देते हैं, फिर हम कहते हैं क्यों ऐसे हो गया। तो ये चीज़ें वो करनी, लेकिन फिलहाल मिठाई की बात करें इस समय मुझे आप मिठाइयाँ बिल्कुल रोजे की स्टेट में लग रहे हैं, आप ईद की स्टेट में नहीं लग रहे इस दफा हमारे हैं। पेशावर में ईद पहले नहीं हुई ना। चलिए,
चले आप बता दें कोई फनी इंसिडेंट। वो पहले खान साहब का तो पूछे ना, मेहमान साहब नहीं, वो मैं सोच रहा था एक्चुअली। जनरली आई हैव ट्रैवल्ड विद हिम। मैं एक बार देखिए ऐसा था कि ऑब्वियसली इमरान खान इज सच ए पर्सनालिटी, हम लोग बचपन से देख रहे थे एंड ही वाज यू नो ही वाज अ सुपरस्टार की उनकी वो थी पूरी दुनिया में हर जगह माइनस द पॉलिटिक्स माइनस द पॉलिटिक्स माइनस लग रहा है ये स्टोरी आप सुना नहीं लगे। लेकिन मैं उनके जब मैं उनके साथ ट्रैवल करता हूँ ना, जब ट्रैवल करता था, मैंने उनसे ज्यादा हम्बल बंदा कोई नहीं देखा। वो अपना सामान खुद उठाते हैं। तारीफें कर रहे नहीं, मैं उसे और उसमें अच्छा जो क्या सच वो नहीं करते। कभी कोई ऐसे कमेंट कर लेते हैं, वो कमेंट उस मौके के लिहाज से हो जाता है, मतलब आप उस वक्त वो कमेंट कर ले तो हो जाएगा, लेकिन एज सच उन्होंने कभी मुझे कोई याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कोई किया हो, या शायद मेरे साथ उन्होंने इतना जोक ना किया हो। लेकिन अदरवाइज आई फाइंड हिम यू नो अ वेरी वेरी नॉर्मल पर्सन, वेरी नॉर्मल पर्सन। ये तो बात ठीक है कि दूर से लगता है कि लोग बहुत ज्यादा मतलब मैं हम उसमें वेट कर रहे थे जहाज में, मैं वो लॉस एंजलिस में थे, हम वापस पाकिस्तान आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैं कॉफी लेने जा रहा हूँ, आपको कॉफी चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। कहते साथ कोसों भी ला दूं? मैंने कहा ला दे। वो जाके ले, अच्छा मुझे दे दिया, वो जाके बैठ गया। अब मैं मेरे पास तस्वीर भी है, वो लिटरली ये 2010 की बात है, वो उसमें डबो डबो के यूं खा रहे, और मुझे मतलब इतना अच्छा लग रहा था, मैं अच्छा भी लग रहा था, फनी भी लग रहा था। लेटर रिपोर्ट में पूछो बिल किसने दिया था? उन्होंने खुद दिया था, उन्होंने खुद दिया था। ये तो फनी बात निकल आई, ये फनी बात तो बता दी है। चले आप बता दें कोई, आपने पहला इंटरव्यू कब किया था किसी खान साहब का? मैंने तो खान साहब का आज तक कभी इंटरव्यू किया ही नहीं। ये तो बहुत दुख की बात हो गई है। मैंने आज तक किसी बड़े लीडर का नहीं। खैर ये तो अब हम्बल हो रहे हैं, आपने बड़ी बड़ी स्टोरीज ब्रेक की हैं। नहीं टू बी ऑनेस्ट गवर्नर साहब कुछ करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं मैं आपको एक्सेस देता हूं इंटरव्यू करने। नहीं वो बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू कराने लगे हैं आपका? मेरा करना है? हां भाई ये फैसल भाई बिल्कुल खुर्रम साहब का किया है। तो आप इनको बड़े लीडर ही नहीं मान रहे? क्यों नहीं मान रहा मैं? हम ये तो आप लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। हम रोज बैठे होते हैं। वैसे मैं एक बात बता देता हूँ, बाय द वे खुर्रम उसी कॉलेज का पढ़ा हुआ है जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हुआ, मुझसे मिखल में 2 या 3 साल ये जूनियर थे। ये आज हमें नई इंफॉर्मेशन मिली है। खुर्रम साहब ये कौन सा कॉलेज है? कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल जी। अच्छा आप लोग हसन अब्दालियंस हैं, वेरी गुड। ये वहाँ की तो बड़ी स्टोरीज आप लोगों को याद होंगी फिर। हाँ जी खुर्रम साहब हमें पता चल गया कि यू आप हसन अब्दाल से पढ़े हुए, फिर पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? एक बहुत पुरानी फैमिली बैकग्राउंड है, बहुत मेरे दादा की भी मेरे वालिद की भी, तो उसकी वजह से हमें भी इसी दश्त की तैयारी करनी पड़ गई। So you were born a politician. आपको बता दिया था कि आपने पॉलिटिशियन ही बनना है या it was your choice? नहीं मेरे वालदैन ने कम से कम मुझे तालीम में किसी भी तरह जो है, और ये उनकी बहुत बड़ी बड़ाई है, मेरी मरहूम वालदा अब नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे पुश नहीं किया कि तुमने ये पढ़ना है या ये। आमतौर पर होता है कि आप लॉ की तालीम हासिल करें अगर आपने सियासत में जाना है। उन्होंने मुझे बिल्कुल आजाद छोड़ा, और उसी लिए मैंने फिर जो है वो 2 डिग्रियां की, एक इकोनॉमिक्स में और एक इंजीनियरिंग में, और अपनी जो मैं चाहता था वो मैंने पढ़ा। तो उसके बाद फिर जब मैं वापस आया तो तब ये एक जरूर उनकी तरफ से कहा गया कि जी अब मैं, मेरे वाले साहब रिटायर होना चाहते थे, उन्होंने मुझे आगे किया, और वो दिन और आज का दिन हम इसी खारदार दश्त में जो हैं वो अपने पांव जख्म जख्म कर रहे हैं। राइट एंड देन आल्सो अगर पेरेंट्स हो या फैमिली हो पॉलिटिक्स में तो वही पार्टी ज्वाइन करनी होती है या आप कह सकते थे दूसरी को? जी नहीं आमतौर पर यही होता है, लेकिन मैं मुस्लिम लीग नून में बहुत हद तक पार्टी वालदैन के बने, लेकिन अपनी कन्विक्शन की बुनियाद पर हूँ, क्योंकि मैंने, और फिर ये फिर सियासी गुफ्तगू हो जाएगी जिससे बहुत लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन मैंने अपने मुल्क की तामीर होते हुए तभी देखा जब मेरी जमात जो थी ना उसको मौका मिला था। जो जो बिल्डिंग ऑफ द कंट्री है वो तो हमारी पार्टी ने किया है, और उसमें मियां नवाज शरीफ का बड़ा किरदार है। आप उनके साथ बहुत चीजों में डिसएग्री, आप लोग बहुत जबरदस्त पॉलिटिशियंस हैं, है ना, वी शुड एडमायर देम। क्या आप लोग पॉलिटिक्स ले आते हैं बीच में कहीं ना कहीं? नहीं तो वो आपने बीच में एक सवाल पूछा था कि लिटरेचर का, जिससे पूछना था उसे तो आपने पूछा नहीं। नहीं, नहीं, नहीं आप तो बड़े लिटरेरी कोट्स वगैरह शेयर करते हैं। यस लिटरेचर भी और जो दूसरी अलूम है, अगर से मैं इंजीनियर हूँ लेकिन मैं जो आर्ट्स हैं और ह्यूमैनिटीज हैं उनका बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ, क्योंकि इंसानी मुआशरे को जानने के लिए तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज का बहुत बड़ा रोल है। कौन सी आपकी फेवरेट कोई बुक्स एक दो बताएं?
जी वो फिर वहां पर भी ज्यादा हो जाएंगी। सियासत आ जाएगी नहीं, लेकिन मैं आप एक मेरे सामने चूंकि पड़ी हुई है हमेशा, वो कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं, जेरेड डायमंड की किताब है जी, गन्स जर्म्स एंड स्टील, और फिर इस तरह की बहुत सारी जो हैं किताबें हैं जो जिन्होंने दुनिया के बारे में सीखने का नया अंदाज बताया है। और लिटरेचर में तो हमारे फेवरेट राइटर्स हैं, इयान मैकेवन है और रिचर्ड पावर्स है, जो लोग मुआशरे के पे बड़ी एक संजीदा सोच के साथ साइंस पे भी और दूसरी चीजों पे। तो इसलिए भी पाकिस्तान में आमतौर पर होता है ना कि आप अपने बच्चों को कहते हैं तुमने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो फनून लतीफा हैं या आर्ट्स हैं या लिटरेचर है, इवन विजुअल आर्ट्स जो है, पेंटिंग है, स्कल्पचर, ये बड़े अहम है इंसान को इंसान बनाने के लिए। जो लोग इनसे दूर हैं वो फिर बड़ा मुश्किल है उनके लिए कि वो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो आपको इंसानी इंसान का जो पूरा अल्लाह ताला ने जो बनाया है उसकी जो एबिलिटीज हैं ये उसका हिस्सा है, और लिहाजा हमें उसको फिर जरूर परसू करना चाहिए। राइट, ये बात, मेरा तो सब्जेक्ट है लिटरेचर, सो आई डोंट नो, आपको भी शौक है लिटरेचर का? जी जी, मुझे एक तो साइंस तो मैंने पढ़ी नहीं, ओके, इसलिए कि मैं नालायक स्टूडेंट था, तो नहीं, ये तो फिर हम्बल हो रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे वैसे भी जो ये फाइन आर्ट्स, उन्होंने साइंस पढ़ी है, इन्होंने साइंस, तो मुझे फाइन आर्ट्स और ज्यादातर जो इसमें होते हैं ना एथिक्स से रिलेटेड चीजें, ठीक है, और जो ह्यूमन स्टोरीज और इससे रिलेटेड चीज़ें और किस तरह इसका सारा, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं पढ़ने में, मुझे मज़ा आता है कि मतलब कि आप जॉन स्टुअर्ट मिल्स के आप पढ़ लें, उसके क्या एथिक्स थे, इमैनुअल कांट क्या लिख रहा है, और वो फिर अपनी सोसाइटी में आप उसको देखें। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी बतानी आज के शो में, वो आपने सियासतदान, मैंने एक सियासतदान के ऊपर रिसर्च की हुई है। कौन से सियासतदान? जब मैं बरतानिया में था और उस वक्त मैं एक यूनिवर्सिटी से मैं था और मास्टर्स कर रहा था, तो एक कंपनी कहीं पर मेरा उनसे रब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तान जा रहे हैं और हमने फलाने फलाने बंदे से मिलना है, और उसमें जनाब एक आप सियासतदान जो इनसे भी हमने मिलना है, इनके बारे में हमें कुछ बताएं कि हम जाके क्या करेंगे। और वो जो शख्सियत थे वो ये खुर्रम दस्तगीर साहब थे, ये उस वक्त इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर थे, ये मैं बात कर रहा हूँ गालिबन 2013 की या सम टाइम उस जमाने की, कॉमर्स मिनिस्टर थे आज खुर्रम दस्तगीर खान साहब को तो हर एक के साथ, तो वो एक वो ग्रुप आ रहा था उसमें कुछ स्पेनिश लोग थे और वो एक इंटरनेशनल जरीदा निकालते हैं और टाइम्स के लिए वो उसमें कोई रिपोर्ट भी वो बना रहे थे, और वो पता नहीं बाद में उन्होंने आके इनसे मुलाकात की या नहीं की। मैंने मुखली पहले मैंने बताया कि मैंने, अच्छा उन्होंने कहा कि हमने कैच फ्रेज क्या करें जाके उनको किस तरह सरप्राइज करें, मैंने कहा उनसे जाके गुजरांवाला के चिड़ू का पूछें आप पहले, ठीक है कि नहीं, या खानों के बारे में पूछें, मैंने उनको पूरी हिस्ट्री बताई गुजरांवाला की, खुर्रम साहब की कुछ मैंने जो है तारीफें भी कर दी बहुत सारी, मैंने कहा हमारे मुल्क का मिनिस्टर है बाहर से लोग जा रहे, तो वो पूरी, तो आई डोंट नो बाद में उनकी इनसे मुलाकात हुई या नहीं हुई, पर ये मैं आपको बताने का मकसद ये है कि जो बाहर से लोग आ रहे होते हैं जिन्होंने इधर कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो या इस हद तक वो तैयारी रिसर्च करते हैं कि हमने किस किस बंदे से मिलना है और वहां पे क्या बात हो सकती है, तो क्या हम लोग भी इतना तैयार होते हैं, तो ये भी एक चीज है। पर एनीवे उस जमाने से मैंने खुर्रम साहब के बारे में काफी कुछ पढ़ा था और इंप्रेस हूं उनसे, मैं बहुत इंप्रेस हूं अभी भी इंप्रेस, वो आपसे भी इंप्रेस है, मैं आपसे भी इंप्रेस। आप ये बताएं तोहफा किसी को देते हैं ईद के ऊपर या लेते हैं? नहीं लेते हैं, देते नहीं, अभी ईदी लेते हैं आप? अभी आप देना सारा साल आप मुफ्त में प्रोग्राम करने में आते हैं तो कुछ आप चाहिए कि अभी? हाँ सारा साल प्रोग्राम कराते हैं एक प्याले चाय पे, कभी कावा, वो भी कावा होता है, चाय नहीं होती। नहीं, हमारे तो अभी हम दे चुके हैं गोरमे को क्रेडिट, हम तो हमेशा आपको हाई टी करा सकते हैं, खासा शुगर हो क्या करें, हम आपको कभी भी शुगर करा सकते हैं, अल्लाह ना करे वैसे तो। खैर एनीवे, सो वैसे किसी का खास गिफ्ट का वेट होता है या नहीं? देखती हूँ मुझे कि वो बचपन में होता था, बचपन की होती है, अभी कोई नहीं होता, लेकिन ईदियाँ देनी तो पड़ती होंगी, देते हैं कि नहीं देते? कोई मिल गया तो दे गया। आप देते हैं ईदियाँ या बेगम संभालती है सारा? बेसिकली वही देती है, लेकिन ऑब्वियसली होम मिनिस्ट्री को सारे, लेकिन ये उनके होते हैं सारे, हम खर्चे की नहीं ईद की बात कर रहे हैं। मैं वो ईद भी उसके ईद भी उस लिहाज से होता है कि मतलब मैं दे देता हूँ कि यार ये बच्चों में सबको वो दे देना, तो शी गिव्स इट। राइट, सो ईदी लेना याद है कि बहुत अच्छा हो गया? नहीं, बहुत अरसा हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं, बहुत अरसा हो गया, दोबारा याद ताज़ा हो जाएगी, बहुत अरसा हो गया अभी तो, मतलब वो
वो जो उर्दू का फ्रेज है ना, हम सठियाने वाले नहीं नहीं, अल्लाह आप सबको अपने जमान में रखे, से ज़िंदगी के साथ रखे। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमसे बड़ी अच्छी अच्छी यादें एंड बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, खुरम साहब, अतर साहब, कुंडी साहब एंड हुमायूं साहब। ईद के दिन हमने कोशिश की कि थोड़ी सी लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन करें, कुछ ऐसी बातें आपको बताएं के बारे में जो शायद पहले आपको नहीं पता हो। आप लोग भी ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा। ईद मुबारक, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।